वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर। कल हमने स्टडी किया था, अलग अलग टाइप के हमारे डायोड की फंक्शन और स्पेशल पर्पस जो हमारे डायोड्स हैं उनके बारे में देखा था हमने। इसमें एलईडी, आपका फोटो डायोड, जीनर डायोड, ये और इनकी एप्लीकेशन देखी थी दी थी। उम्मीद है आप सबने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए होंगे या फिर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर। सुनकर के वर्ड अजीब सा लगता है, ट्रांजिस्टर जो लोकल लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल होता था, हम सोचते थे कोई रेडियो, कोई इस तरह का गैजेट वगैरह कुछ होगा, है ना। पर यहाँ फिजिक्स के लैंग्वेज में जो ट्रांजिस्टर का मतलब है, बालक आप लोगों ने कभी सर्किटरी देखी हो किसी भी चीज की, किसी रेडियो की या किसी टीवी के अंदर, तो आप लोगों को देखने को मिलता है वो ब्लैक कलर का छोटा सा होता है, तीन पैर होते हैं उसमें। मैं दिखा देता हूँ कैसा, ये आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखा होगा। तो ये होता है ट्रांजिस्टर। क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है? मेरे ख्याल से विजिबल है। ये आपका ट्रांजिस्टर, इस टाइप का, दीज आर ट्रांजिस्टर, ये ठीक है। कुछ ऐसा होता है ट्रांजिस्टर। क्या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर इसका? क्योंकि बालक इसकी कंट्रोलिंग, इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो बड़ा आसान है कंट्रोल करना, एज कंपेयर टू सिंपल कंडक्टर। फार इजी एंड बहुत ही आसान है इसको। ये भी आपका ट्रांजिस्टर है, इस तरह का भी, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिस्टर। ये आपके ट्रांजिस्टर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये सब ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। इनके नाम अलग अलग रहते हैं और बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन हमें तो बहुत थोड़ा सा बेसिक से ही पढ़ना है इसमें फिलहाल। ओके, आइए हेडिंग लगाइए और लिखिए ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में होता क्या है बालक? जैसा आपका डायोड होता है, डायोड के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ने फ्यूज कर दिया एक साथ और आपका पीएन एक जंक्शन बन गया, और उसमें दो आपके कह सकते हैं दो हमारे हिस्से होते हैं, दो अलग अलग टाइप के हिस्से होते हैं, है ना। टू टर्मिनल, टर्मिनल कितने होंगे? दो, डायोड के केस में, सिंपली डायोड केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांजिस्टर के केस में तो बालक यहाँ पर तीन टर्मिनल है, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, तीन उसके पैर हैं, ठीक है। तो तीन टर्मिनल, एक तो आपका आपका इक्विपमेंट है तीन टर्मिनल का है। दूसरी बात, हमसे पूछा जाए इसमें जंक्शन, बिल्कुल जैसा आपका एनपी, आपका जैसा ट्रांजिस्टर होता है, काफी कुछ जैसा आपका डायोड होता है, काफी कुछ मिलता जुलता है। कैसे बनता है ये, क्या कहानी है इसकी, आइए समझते हैं बालक। देखो, अगर मेरे पास दो की जगह तीन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, तीन टाइप्स इन द सेंस, जैसे आपका डायोड में क्या होता था सर? डायोड में ऐसा होता था कुछ एक पी टाइप या एन टाइप जो भी रहता था, इधर पी टाइप ये एन टाइप, ऐसे मिल जाते दो टाइप, इनको फ्यूज करा देते थे दो सेमीकंडक्टर को, तो हमारा पीएन जंक्शन मिल जाता था। इसी को हम इस तरह से हम डायोड बना देते। यहां पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है बालक, उसमें दो की जगह हम तीन इस्तेमाल करेंगे, मतलब सर कोई भी दो पी हो सकते हैं, एक एन हो सकता है उनके बीच में, ठीक है, या फिर दो एन के बीच में एक पी हो सकता है, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी होगी हमारे ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं बालक। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ट्रांजिस्टर, तो आप कह सकते हो ट्रांजिस्टर को आप हेडिंग लगाइए ट्रांजिस्टर। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें जेई के बच्चे और नीट के बच्चे दोनों ही एक बहुत बड़े स्केल पर इसको छोड़ करके जाते हैं। मैं तो कहूंगा, मुझे लगता है 90% लग मे बी ना मोर देन 90% बच्चे इस टॉपिक को छोड़ कर जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगता है उनको, दैट्स व्हाई पीपल लीव दिस टॉपिक, ठीक है। और शायद किसी सिलेबस वगैरह से कुछ हटाने की बात भी चली थी, अभी कुछ पता नहीं है मुझे उसके बारे में, आई हैव नो अपडेट अबाउट इट। तो बालक आप कह सकते हो जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हो, जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, तीन टर्मिनल होंगे इसके, जैसा आपने देख ब्लैक कलर का था ऐसा कुछ, तीन पैर से। इसका सिंबल बाय द वे ऐसा नहीं होगा, थ्री टर्मिनल डिवाइसेस, टर्मिनल डिवाइस व्हिच इज फॉर्मड बाय, व्हिच इज फॉर्मड बाई सैंडविचिंग, सैंडविचिंग थिन लेयर, थिन वेफर भी बोल सकते हैं आप, वेफर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बिटवीन लेयर ऑफ
अनदर टाइप, आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। कहने का क्या मतलब है सर, क्या तात्पर्य है इसका? तो बालक कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इधर आपने एन टाइप ले लिया है, ठीक है सर, इसके बीच दूसरा भी एन टाइप ले लिया है, और इनके बीच में दबा दो, सैंडविच बना दो, जैसे सैंडविच के बीच में आप क्या रखते हो, बटर वगैरह चीज वगैरह जो भी आप खाते हो, और इनके बीच में ये रखते आपने पी टाइप, तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसे बोलेंगे एनपीएन, जैसा दिख रहा है एज इट इज नाम दे दिया। अगर कहानी इसकी उल्टी है, अगर आपने यहाँ पर पी टाइप, इधर आपका पी टाइप, और बीच में इसके एक पतली सी लेयर रख दी है एन टाइप की, ये हो जाएगा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। हमारे सिलेबस में मोस्टली हमसे यही पूछा जाता है, तो हम एनपीएन पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पीएनपी और बनाए जो डिजाइन जो की जाती है वो मोस्टली यही डिजाइन किया जाता है, ये बहुत ही रेयर, बहुत कम है, ठीक है बालक। ओके सर, अब सर आपने इसमें लिखा है ये तीन टर्मिनल का डिवाइस है, तो कहाँ कहाँ पर है तीन टर्मिनल? तो बालक एक टर्मिनल इस पर होगा एन के साथ, दूसरा यहाँ होगा, और तीसरा ये जो आपका बीच का है, ठीक है। ओके सर जी, तो प्यारा बच्चा इनमें से तीन टर्मिनल्स के नाम जो रहेंगे, या फिर तीन जो लेयर हमने आस पास प्लेस की है, एक लेयर को इसको बोलेंगे हम एमिटर, एमिटर नाम से पता लग रहा है, क्या करेगा, एमिट करेगा करंट को या चार्जेस को। इसको बीच वाले को बोलते हैं बेस, जो भी इनके बीच में फंसा हुआ है ये बेस है आपका, एंड दिस इज कलेक्टर, ये आपका हो गया कलेक्टर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जब हम इनको डिजाइन कर रहे हैं बालक, जब हम इनको डिजाइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिंपली हमने तीन अलग अलग एनपीएन लिया उठाकर बना दिया, इनके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है। मतलब जैसे आपका जो जिस टर्मिनल को या जिस हिस्से को आप एमिटर बना रहे हो, उसकी जो डोपिंग है वो अलग टाइप की रहेगी, उसकी जो विड्थ है वो भी कुछ अलग रहेगी। अच्छा सर ऐसा, हाँ जी, जो बेस आपने बनाया है उसकी जो डोपिंग है, मतलब उसके अंदर जो इंप्योरिटी ऐड करके आपने पी टाइप या एन टाइप जो भी बनाया है, उसकी डोपिंग का अलग रहेगा, उसकी जो थिकनेस है वो भी डिफरेंट रहेगी, इसी तरह कलेक्टर के का, ठीक है। तो एक सही ट्रांजिस्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कुछ कहानी ऐसी रहती है, मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। जो आपका एमिटर वाला पार्ट है, एमिटर वाले पार्ट बालक, कुछ ऐसी कहानी रहेगी, इट इज हैवीली डोप्ड, ठीक है, हैवीली डोप्ड होगा आपका एमिटर, विल बी हैवीली डोप्ड, ठीक है। मतलब इंप्योरिटी आपने अच्छी खासी इसमें ऐड की है। साइज के बारे में क्या कहें, तो साइज बालक इसका मॉडरेट साइज रहेगा, मॉडरेट साइज मतलब ऐसा कह सकते हो बेस और कलेक्टर के साइज के बीच का रहेगा कुछ, ठीक है। ओके सर, बेस के बारे में बात करें अगर हम, इफ यू टॉक अबाउट बेस, बेस की कहानी क्या रहेगी, बेस वही हिस्सा है इन दोनों के बीच में, मैंने देखे साइज में भी इनको बनाने की मैंने कोशिश की है, बेस बहुत पतला सा है, ठीक है, बहुत ही लाइटली डोप्ड रहेगा, लाइटली डोप्ड, बहुत कम इंप्योरिटीज ऐड करके। अगर आप मैं एनपीएन की बात कर रहा हूँ, तो पी टाइप तो बना है लेकिन इंप्योरिटीज में बहुत कम ऐड की, लाइटली डोप्ड रहेगा, और साइज कैसा रहेगा, स्मॉल वेरी लाइट, ठीक है, और थिन रहेगा, वेरी थिन, बहुत ही पतला सा, बहुत ही कम साइज रहेगा, ठीक है। जेंट्स, ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, भाई हम डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे कैसे डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है जेंट्स। ओके सर जी, अब हमारा पेपर जो है नीचे की तरफ जाने का नाम नहीं ले रहा है, कंप्यूटर बेच दो ना सर, कैसे बेचे, कोई खरीदेगा तो। ओके चलिए चिंटू बाहर आओ, इधर गया तू, ओके ठीक है, इसी पर लिखते हैं, इसी पेज पर जितना देर तक लिखा जाएगा। सुनिए, तो तीसरा आपका कलेक्टर, जो आपका कलेक्टर होगा उसकी कहानी कैसी होगी सर, बड़ी प्यारी होगी सर। डोपिंग जो है बालक, ना तो बहुत ज्यादा हैवी रहेगी एमिटर की तरह, ना बहुत ज्यादा लाइट रहेगी, तो मॉडरेट डोपिंग रहेगी इन दोनों के बीच की, मॉडरेट डोपिंग, ठीक है। ओके सर जी, और इसके बारे में, साइज के बारे में अगर कहें हम, तो बालक इसका साइज जो है
कलेक्टर जो इस कलेक्टर का जो साइज होगा इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, सबसे लार्ज होगा, लार्जेस्ट साइज। ठीक है, सबसे छोटा किसका रहेगा आपका साइज बेस का, उससे बड़ा आपका एमिटर का, और सबसे बड़ा साइज रहेगा कलेक्टर का। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिजाइन इसे डिजाइन करेंगे। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? यस सर जी, इसमें कुछ लिखने की इच्छा है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर हम नीचे बढ़ रहे होंगे। चलिए प्रोसीड। यस सर, तो सिर्फ की से बढ़िए। तो ऐसी कुछ कहानी हो रही होगी हमारे ट्रांजिस्टर। ठीक है, ओके सर। और कुछ कुछ बातें सुनिए ध्यान से। अगर हमारा नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है ट्रांजिस्टर का, ठीक है, सिंपली हमारा नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है ट्रांजिस्टर का, तो याद रहे जो एमिटर बेस जंक्शन है, मुझे एक फोटो लेके चलना पड़ेगा अपने एमिटर का साथ में, इससे मैं आपको बताता रहूं। एक सेकंड रुकिए। सर हम कहाँ जा रहे हैं सर, हम तो यही है सर। इधर मैं अपना सेट कर देता हूँ ट्रांजिस्टर। अच्छा, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखो एनपीएन टाइप है और आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर इसका जो एन वाला हिस्सा, सबसे पहले वाला हिस्सा एमिटर, वो उसका जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बेस जो है बहुत ही पतला सा है और कलेक्टर की थिकनेस काफी ज्यादा है। ठीक है, ये जो विड्थ है आपकी थिकनेस है, ये कलेक्टर की सबसे ज्यादा है, एमिटर की कम है और बेस बहुत ही पतला सा है। ठीक है, होता क्या है, एमिटर जो होता है, एमिटर नाम से पता चल रहा है, ये आपके चार्ज कैरियर है उनको एमिट करता है और आपका जो कलेक्टर है ये कलेक्ट करता है, बीच में बेस है। ठीक है, अब हम बेस को क्यों बनाते हैं बालक, देखिए बनाने के लिए तो हम सिंपली पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर बना सकते थे, पीएन आपका पीएन जंक्शन जो बना सकते हो बना सकते, दिशा पर डायोड होता था, फिर हमने बीस इंट्रोड्यूस करने की उसके पड़ी। इंपॉर्टेंट ये है कि हम बेस करंट से इनकी वैल्यूज को करंट जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे काम है, इसको आप वी कैन यूज इट एज अ स्विच। उसका क्या करेंगे, स्विच तो हमारे पास सर मैनुअल है ना, इसका क्या करें, नहीं, स्विच तो होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आगे से फर्दर क्लासेज में, हायर क्लासेज में आप लोग इसके बारे में और ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे तो एक मॉस्फेट का नाम सुना होगा आपने, शायद ये सुनने को मिलेगा आपको। तो बालक इसका स्विच की तरह यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्विच की तरह यूज करना। रीजन उसका ये है कि मैंने आप लोग बताया था आपकी जितनी भी मॉडर्न जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किटरी है उसमें सब जगह पर, लगभग सब जगह पर कंट्रोलर या माइक्रो कंट्रोलर रहते हैं, तो उनके लिए हमें 0101 इनपुट लेता है हमारा कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर। तो बालक उसके लिए 0101 के लिए क्या जरूरत है, स्विच बनाना जरूरी है। ये जब वो इनपुट जीरो दे तो जीरो की तरह बिहेव करे, आउटपुट हाई दे मतलब आउटपुट लो दे तो जीरो की तरह बिहेव करे, आउटपुट हाई दे तो वन की तरह बिहेव करे। तो स्विच होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, ओके सर, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए बालक ट्रांजिस्टर के बारे में। नॉर्मल ऑपरेशन में याद रहे, जब नॉर्मल ऑपरेशन होगा बालक कोई, तो उसमें आपका जो पहला ये जो दिस जंक्शन जहां पर पहला एन और पी मिल रहा है, मतलब एमिटर और बेस जहां पर मिल रहा है, ये जो जंक्शन है ये आपका फॉरवर्ड बायस रखता है। जहां पर आपका एक तरफ एमिटर और दूसरी तरफ बेस मिल रहा है, जो जंक्शन बन रहा है बालक, आपको सबको दिखाई पड़ रहा होगा किस जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं रेड कलर से लाइन खींच देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा किस जंक्शन की। ये आपका एमिटर है एंड दिस इज बेस, दिस जंक्शन ये कैसा रहेगा आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ओके सर। दूसरा जो जंक्शन है ये वाला, इधर कलेक्टर है इधर बेस है, ये जंक्शन जो है ग्रीन कलर से बनाया मैंने। ठीक है, ये कैसा रहेगा आपका जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है, रिवर्स बायस रहेगा। कलेक्टर एंड बेस जंक्शन जो है वाला, दिस विल बी रिवर्स बायस। ठीक है, ये रिवर्स बायस रहेगा। अच्छा सर, इसका सिंबल कैसा है बालक,
चिंटू मिंटू इसका जो सिंबल है तो सिंबल कुछ ऐसा है, सर्कल। ओके सर, ये बेस आपका, दिस इज बेस, और इधर आपका एमिटर, इधर आपका कलेक्टर, कुछ इस तरह का सिंबल है। मतलब सर, हाँ जी, दिस विल बी योर सिंबल, ठीक है, इस तरह का आपका ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। तो ये जो आपकी जो लेयर है, दिस, ये वाली कौन सी सर, हमको पता नहीं लग रहा, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये आपका बेस एक्चुअली, ये वाली एमिटर है और ये आपका कलेक्टर है। मतलब या फिर ऐसा सकते हो इधर की तरफ वाला बेस है, ये हमारा इस तरह कुछ कहानी है, बेस इनके बीच में है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। ओके सर, अगर आपका, और साथ में एक एरो रहता है, अगर आपका एरो इस तरह से है, इस तरह से, इसका क्या मतलब, बेस से एमिटर की तरफ करंट जा रहा है सर, महसूस हो रहा है, ठीक है, करंट, एरो जो है आपकी करंट की डायरेक्शन बताएगा, ठीक। अगर मेरा ये, अगर मैं इसको इस एनपीएन टाइप पर कनेक्ट करूं, तो मैंने आपको बताया इसको कैसा करना है, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करेंगे, एन टाइप में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, तो फॉरवर्ड के लिए क्या करोगे, एन को कनेक्ट करना है नेगेटिव से, और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ये लो बेस कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, यस सर। दूसरी बात, अगर मुझे कलेक्टर और बेस को क्या करना है, रिवर्स बायस, तो कलेक्टर के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एन टाइप है, इसको कनेक्ट कीजिए आप पॉजिटिव से, बस, तो दूसरा कनेक्ट कीजिए नेगेटिव से, समझ आ गई बात। ओके सर, तो प्यारा बच्चा करंट क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो आप देखो करंट सर इधर चलेगा, इधर ऐसा कुछ, और यहाँ पर करंट आपका कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, मतलब कलेक्टर से बेस के अंदर करंट जा रहा है, और इधर आपका बेस से एमिटर के अंदर करंट चल रहा है, ऐसे चल रहा होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सर इसी तरह चल रहा होगा, ये इधर करंट आपका ऐसा कुछ। तो प्यारा बच्चा, अगर इस तरह की सिचुएशन है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मतलब बेस से एमिटर में करंट जा रहा है, तो यहाँ पर देखो जो मैंने एरो बनाया, नीचे वाला बेस है, ये आपका एमिटर, और ये आपका कलेक्टर, तो बेस से एमिटर के अंदर करंट जा रहा है, तो एरो आपका करंट के डायरेक्शन बता रहा है, समझ में आ गई बात। ओके सर, दूसरा, यस सर, दूसरा, अगर आपका हाँ जी, अगर इस तरह का डायग्राम है आपका, याद रहे जो एरो है, एरो विल ऑलवेज बी ऑन एमिटर, एमिटर के ऊपर ही रहेगा सदा एरो आपका। अगर आपका इस तरह से एरो इनटू दिस, मतलब आपके एमिटर से बेस के अंदर करंट जा रहा है, इसका मतलब ये पीएनपी टाइप हो जाएगा, पीएनपी टाइप, ठीक है। तो आपको ये सिंबल देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, कौन से ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके एनपीएन टाइप में आपका मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका बेस से अवे फ्रॉम दी एमिटर के अंदर जो डायरेक्शन है, बेस से आपका एमिटर की तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट के डायरेक्शन को दिखाता है, अगर बेस के अंदर एंटर हो रहा है तो आप समझ जाना ये पीएनपी टाइप, दिस इज पीएनपी टाइप एंड दिस इज एनपीएन टाइप, ठीक है चिंस मींस, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ऐसी कुछ कहानी हो रही होगी, ठीक है। ओके सर जी, मैंने आपको बताया कि एमिटर कैसा होता है, हेविली डोप्ड होता है, ठीक है, बेस कैसा होता है, लाइटली डोप्ड होता है, और आपका कलेक्टर आपका है मॉडरेटली डोप्ड रहेगा, ठीक। तो होगा क्या, जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस किया, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके, या फिर कहिए एन टाइप में जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो आपके बेस की तरफ भागेंगे, तो बेस की तरफ जैसे ही भागे तो उसमें से क्या होगा, कुछ बेस में क्या, बेस कैसा है, पी टाइप का, ठीक है, बेस कैसा है, पी टाइप का है सर, एग्री हो, बिल्कुल सर। तो कर होगा क्या बालक, हम चाहते हैं हमारा करंट फ्लो हो जाए, बेस की जो लेयर है वो बहुत ही पतली है, ध्यान से तरफ देखिए, देखिए इधर आपका सपोज करो एमिटर मान लेता हूँ, बीच में आपका पतला सा बेस है, इसको मान लीजिए बेस, और इधर मेरा कलेक्टर है, ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है, ये मेरा एमिटर मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको आप कलेक्टर मानो, इसको बेस मानो, इसको बेस मानो, तो ये जो एमिटर है ये हैवीली डोप्ड है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, क्योंकि मैंने एन टाइप बना, अच्छा खासी डोपिंग की, जितनी जब ज्यादा डोपिंग उतने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपका पी टाइप है, ठीक है, कोई हैवीली डोप्ड वगैरह नहीं है, ठीक। ओके सर जी, तो जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस किया मतलब एन टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायस का याद रखेंगे, एन कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव से, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है, एन फॉर एन टाइप,
आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, रिपल करेंगे, भागो यहाँ से, नेगेटिव लेयर से कनेक्ट हुए हैं, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हुए। तो इसमें से इसके पास जो होल्स है वो बहुत कम है, भाई ये छोटा सा तो है ही और लाइटली डोप्ड है, बहुत ही थिन सा है। तो अगर इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ एंटर हुए तो हो सकता है 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर ले, जो होल है वो उनको अपने होल और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रल कर ले, उसको न्यूट्रल तो रहता ही है बाय द वे, लेकिन जो होल जो वॉइड है उनको फिल कर ले। तो जितना एमिटर करंट रहता है उसका एक्चुअली 2 से लेके 5, 10, 8% तक, 8 या 10% मैक्स, ठीक है, जनरली आपका 1-2% पे कहानी खत्म हो जाती है। जितना करंट या जितने चार्जेस आपके अंदर आते हैं तो उनके हार्डली 1 या 2% चार्जेस को ही वो अपने अंदर रोक पाता है, मतलब होल्स जो होते हैं उनको वॉइड को फिल कर पाते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन भागते हैं, बाकी सारे के सारे चल जाते हैं कलेक्टर रीजन में, जिसका नाम ही कलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके चार्ज करियर उसके लगभग 98% चार्ज करियर, ठीक है, चाहे होल्स हो चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो, एमिटर से सीधा आपके जाने वाले हैं कलेक्टर के अंदर लगभग 98%, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और बता सकते हो, जिसमें हम करंट और करंट की बात करेंगे, 3 करंट रहेंगे इसमें, एक बेस करंट रहेगा, एक कलेक्टर करंट और एक आपका एमिटर करंट। तो एमिटर करंट का लगभग 98% हिस्सा कलेक्टर करंट होगा, लगभग 98, चार्ज जितने फ्लो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और लगभग जितना आपका ये है आपका एमिटर करंट, उसका हार्डली 1 या 2% हिस्सा जो होगा वो होगा आपका बेस करंट। इन चीजों को ध्यान में रखिए, ये हमारे काम आएंगे आपके। ओके सर, समझ गए, ठीक है चिंतन, ठीक है सर। तो डायसन ने आपको बता दी है ट्रांजिस्टर कैसे कैसे रहेगी। ओके सर, अब समझते हैं कि बायसिंग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट 3 ऑपरेशन है, मतलब 3 से 4 ऑपरेशन, कुछ कुछ उसमें 3 दे रखे हैं, कुछ कुछ में 4 दे रखे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं चारों को बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट मोड ऑफ आपके ऑपरेशन रहते हैं, एक मोड रहेगा एक्टिव मोड, एक को बोलते हैं सैचुरेशन मोड, ठीक है, एक होता है बालक आपका कट ऑफ और एक होता है इनवर्स। ये 4 हमारे अलग अलग डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर के। तो हेडिंग लगाइए, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं और इनकी बायसिंग कैसे कैसे होती है वो बता, इनकी बायसिंग पर ही सारी डिपेंडेंसी है। अगर बायसिंग इनकी, अगर सिंपली जो मैंने आपको बताया नॉर्मल ऑपरेशन है वाला की, कि आप उसको पहले वाले को यानी कि एनपी जंक्शन जो है एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे और पीएन जंक्शन को आप रिवर्स बायस करेंगे, हर बार ऐसा नहीं करना, अलग अलग ऑपरेशन है तो फिर उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए, ठीक है बालक। ओके सर जी, तो बालक अगर आपका एक्टिव रीजन है जिसको हमने नॉर्मल ऑपरेशन जिसको बोल दिया आपने एक्टिव रीजन, पहला मोड है एक्टिव रीजन जिसको बोलते हैं, इसमें आपका क्या हो रहा होगा, जो आपका पहला जो जंक्शन है यानी कि एमिटर बेस जंक्शन, मैं बोल दूं इसको, लेट मी कॉल इट एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बीईबी से समझ जाना इसका जंक्शन होगा, और दूसरा क्या है आपका कलेक्टर बेस जंक्शन, सीबी लिख देता हूं। तो मैंने आपको एक्टिव रीजन जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होगा, एक्टिव रीजन में आपका सर ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये आपका रिवर्स बायस होगा, ठीक है। ओके सर, दूसरा जो आपका हो सकता है वो हो सकता है सैचुरेशन, इसमें क्या होता है आपका ये वाला जो है ये तो फॉरवर्ड ही रहेगा और दूसरा भी फॉरवर्ड हो जाएगा, दोनों के दोनों फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस करने है। मतलब कैसे कर सकते हो आप, यहां जो आपने बैटरी लगाई है इसके टर्मिनल पलट दीजिए, इधर जो बैटरी लगाई है इसके टर्मिनल पलट दीजिए, आपका हो गए दोनों फॉरवर्ड बायस, ठीक है, दोनों के दोनों फॉरवर्ड। और तीसरा सर कट ऑफ रीजन, दोनों के दोनों रिवर्स बायस, ठीक है, इट विल बिहेव लाइक, मतलब जैसा आपका कट ऑफ रीजन होता है ऐसा बिहेव करेगा। ओके सर, और चौथा जो मोड है हमारा ये आपका इनवर्स, इनवर्स नाम से समझ जाना पहले वाले का इनवर्स, मतलब ये फॉरवर्ड है तो यहाँ पर रिवर्स कर देना है और ये रिवर्स है तो फॉरवर्ड है, ठीक है। हमें मोस्टली चीजें इन दोनों से ही बस मिलेंगे, पहले और दूसरे से, बेफिक्र तीसरे चौथे से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मोस्ट ना करा।
ठीक है प्यारे बच्चा, एक्टिव मोड में इसको, इस एक्टिव मोड को हम लीनियर मोड भी बोलते हैं। एक्टिव मोड इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मोड, ठीक है। मोस्टली आपको इसी रीजन में मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर सिंपली आपसे पूछता है कोई आपका ट्रांजिस्टर किस मोड में आपका काम करता है, तो आपको यही आंसर देना, अगर स्पेसिफिकली उसने कहा नहीं है तो, ठीक है। ओके सर जी, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। दूसरा सैचुरेशन मोड में मैक्सिमम कलेक्टर करंट, ठीक है, सैचुरेशन मोड में फ्लो करता है और ये बिहेव करता है एज अ क्लोज स्विच। इस बात को आप लिख लेना, बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच, बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच। ठीक है, ओके। और ये कट ऑफ में नाम से पता लग रहा होगा, ये कैसा बिहेव करेगा, लाइक ओपन स्विच या ओपन सर्किट, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर इनवर्स में सब कुछ पलट दिया, इनमें हम इस्तेमाल नहीं, ना के बराबर ही करते हैं, ठीक है। चिंस पिंस, यस सर जी, बात समझ में यहाँ तक आ गई है। ओके, एक चीज और समझिए, समझाइए सर, क्या समझाना चाहती है आप। कुछ नाम देंगे हम चीजों के और इन चीजों को समझिए, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे कैसे काम करता होता है। हाँ जी सर, बताइए। देखो बालक, हमारा जो एमिटर है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, ये आपका मान लेते हैं एमिटर, ठीक सर जी। इसको मान लेते हैं, बीच में बेस बना देते हैं, पतला सा बेस हो गया, और ये आपका कलेक्टर बना देते हैं। कलेक्टर साहब का साइज कैसा होगा, कलेक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े आदमी होते हैं, तो ये कलेक्टर साहब का साइज थोड़ा बड़ा, ठीक है। चल ठीक है, दोनों का सबके साइज बाय द वे सेम, मतलब विड्थ तीनों की सेम ही है, साइज ठीक से नहीं बना तो माफी चाहते हैं उसके लिए। ओके, तो बालक सपोज करो हमारा एनपीएन टाइप है, तो एनपीएन टाइप में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एनपीएन टाइप में आपका ये एन टाइप बायस्ड होगा, आपका एमिटर पी टाइप बीच वाला बेस होगा और एन टाइप फिर से आपका कलेक्टर रहेगा, ठीक है। इनकी डोपिंग कैसे कैसे होगी, एमिटर सबसे हैवीली डोप्ड होता है, एमिटर आपका सबसे हेविली डोप्ड होता है, बेस क्या होता है बहुत ही हल्का सा डोप्ड। तो बालक मैं इनको इस तरह से कुछ डिनोट कर देता हूं, इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन देना दिखाने हैं, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं मैं डार्क सर्कल्स इस तरह से। एन टाइप में मेरे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, चार्ज करियर ज्यादा कौन रहेंगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, ये लो अच्छा, और इसमें भी ये रहेंगे लेकिन थोड़े मॉडरेट रहेंगे, उतने हैवी नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके सर, और बीच वाले हिस्से में तो आप कहोगे सर बीच वाले में आपके रहेंगे होल्स, छोटे छोटे चिंटू चिंटू प्यारे प्यारे होल्स, ये बहुत ही लाइटली डोप्ड है, ठीक। ओके सर, अब हमने क्या किया, इस पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, क्या हमने फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है सर, इसको कनेक्ट कर दिया आपका नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, ये आपके इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन से, और बीच में जो ग्रीन कलर से बनाया ये दीज आर होल्स, ठीक है। इसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड के लिए आपको अदर नेगेटिव 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 को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब एन को, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करना है पॉजिटिव से। बालक इस जंक्शन के बीच कहानी देखो, जो आपका एमिटर और बेस का जो जंक्शन है, इसकी कहानी क्या हो गई,
सर एक नेगेटिव वाला एन से कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला पी से कनेक्टेड है, कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अगला जो जंक्शन है, अगला जंक्शन कौन सा है? एमिटर बेस जंक्शन या बेस एमिटर जंक्शन, इसको करना है रिवर्स बायस कनेक्ट। ठीक है बालक, तो हम इसी को चाहे तो कॉमन टर्मिनल से, चाहे तो अलग से बैटरी भी लगा सकते हैं। तो इससे इसको रिवर्स कनेक्ट करना है, तो इसको किससे कनेक्ट करोगे आप करोगे सर इसको पॉजिटिव से, तो इधर को हो गया नेगेटिव से। समझ में आ गई बात? ये कैसा हो गया आपका पी टाइप कहां से कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, नेगेटिव टर्मिनल, और आपका एन टाइप किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव। तो कैसा हो गया जंक्शन? दिस इज रिवर्स बायस जंक्शन, रिवर्स में कनेक्ट। ठीक है, ओके सर। आपका जो एमिटर बालक, दिस इज हैविली डोप्ड। ठीक है, आपका एमिटर कैसा है? हैविली डोप्ड है सर। बालक जब हैविली डोप होगा, कहाँ है हम देखिए इसमें एरर। ओके, तो बालक जब आपका एमिटर हैविली डोप्ड है तो क्या होगा? जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे राइट की तरफ, मतलब एंटर करेंगे आपके बेस के अंदर। लैपटॉप शायद हैंग कर गया है। हाँ सर, ये तो होना ही था सर, पिछला लैपटॉप रख के आप। हाँ सांसे आ गए इसको वापस, और एक सेकंड रुकेंगे। हाँ सांसे आ गए इसके वापस। तो बालक इसको जैसे जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भाग के आएंगे हमारे इस रीजन से, आपके बेस के अंदर एंटर होंगे। और जैसे ही ये बेस के अंदर एंटर होंगे, लेकिन बेस तो इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता सबको, क्योंकि उसके उस अंदर क्या है, होल्स जो है बहुत कम है, दो चार छह। तो याद रहे बालक, आपका जो बेस में जो चार्ज होंगे, इसमें से भागे जो चार्जेस इधर से इधर भागे, तो इसका 1-2% केवल चार्जेस को एब्जॉर्ब कर पाए, 1-2%, बाकी के 98% विल एंटर हियर। लगभग 98-99% जो आपका इधर से चार्ज आ रहा है वो यहाँ पर एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इनको क्या करेगा? ये कहेगा कि हाँ आ जाओ, मोस्ट वेलकम, और आपका करंट आपका फ्लो होने लगेगा। समझ आ गई कहानी? तो इस तरह से कुछ ये काम कर रहा होगा। ठीक है, याद रहे कि आपका जो बेस है बहुत ही लाइटली थिन है। ठीक है, इस चीज को हम लिख लेते हैं, यहां से जो करंट आया, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो आपके इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो इधर घूम करेंगे, करंट किधर चलेगा? करंट चलेगा सर इधर, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, करंट आपका कैसे चल रहा होगा? ऐसा कलेक्टर करंट की कहानी कैसे होगी? यहां से आकर के ऐसे आ रहा हो कलेक्टर करंट, यस सर। तो यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा, जो खाली में करंट के लिए अगर एरो बनाऊं तो करंट के लिए एरो कैसा होगा? करंट इधर से गया सर, आपका इधर से करंट गया, इधर करंट गया, चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, करंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपका करंट ऐसे एंटर हुआ, तो आपको देखने को मिल रहा है यहां से आई बी आया बेस करंट, ये आपका आई सी आया, और मिलकर के किस में चले? आई ई में। ठीक है बालक, तो यहां से मैं कह सकता हूं जो एमिटर करंट है किस किस से मिलकर बना हुआ? आई सी प्लस आई बी। चाहे कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले लो, चाहे आप एनपीएन ले लो, चाहे पीएनपी ले लो, दोनों ही केस में ऐसा ही होगा कि आपका जो आईई है एमिटर करंट भी मेड अप ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, यहाँ पर आईई क्या है? एमिटर करंट विल बी इक्वल टू द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, इन दोनों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, उसमें भी मैंने आप लोगों को बता दिया बात कि आपका जो आई बी रहेगा लगभग 2% ऑफ आई ई, और रेस्ट आपका जो आई सी रहेगा लगभग 98% ऑफ आई ई। तो कुछ कुछ जगह पर हम ये भी मान के चलते हैं लगभग लगभग आई सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई ई, ये भी हमें जमसिन कुछ कुछ जगह पर लेके चलना पड़ा है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखेगा आप बड़े ही केयरफुली। आप यहां से कह सकते हो आई बी इज 0.02 ऑफ आई ई परसेंटेज में बात करूं, और यहां पर IC की बात करो तो लगभग 0.98 ऑफ IE। ठीक है, लगभग लगभग IC जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू IE के रहे, लगभग सारा का सारा करंट जो है इधर से इधर जाएगा। ठीक है चिंटू मिंटू, यस सर जी, ये बात हमें समझ में आ गई। ओ इस बात पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं।
ये टॉपिक मैं जैसा उम्मीद मुझे जैसा लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने जो बच्चों से महसूस किया है सदा ही केवल आपके साथ नहीं सारे बैचेस में तो बच्चे यहाँ आकर के बैंड बजाती है बच्चों की। हाँ सर पता नहीं क्यों ट्रांजिस्टर से ऐसी नफरत क्यों हो जाती है, होती तो है सर, डर भी लगता है ट्रांजिस्टर से थोड़ा। चलिए नहीं होती होगी तो बहुत अच्छा है, होती है तो भी सब कंप्लीट ही होते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा चिंटू क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बालक इन एनपीएन सर्किट ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पीयर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पीयर ठीक है। और इसने भी बता दिया इफ 95% of the electron emitted reach the upper collector find base current बताइए क्या होगा find base current। सोचर बताइए बेस करंट क्या होगा जी, क्विक 30 सेकंड है केवल आपके पास, योर मैथमेटिक्स है नथिंग। जी वो बच्चे का आंसर आ गया है ठीक है आंसर। हाँ जी और बताइए एनीबॉडी जी। ओके कई सारे बच्चों का आंसर है लेकिन सबके अलग अलग आंसर है, बड़े ही खतरनाक आंसर देते हो आप। क्या सर हमको हल्के में नहीं लेने का सर, और गलत गलत आंसर आपके आ रहे हैं, कुछ के सही भी हैं कुछ के गलत हैं। ओके चलिए देख लेते हैं कितना आपका क्या वैल्यू आज को, प्योर मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं करना है ठीक है। अगर मैं मान के चल रहा हूं आपको पता है आईसी यहाँ पर क्या दे रखा है, आईसी लगभग 95% है आपका आईई का है ना, मतलब 95 का मतलब क्या होता है 95/100 और आईई। और मुझे दूसरी बात ये पता है आईई किस किस से मिलकर बना है सर, आईसी प्लस आईबी से मिलकर बना, बोल सकते हैं बिल्कुल सर बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों से मिलकर बनता है। तो आईई मुझे बेस करंट चाहिए तो बेस करंट को मैं क्या बोल सकता हूँ आईबी विल बी इक्वल टू टोटल करंट IE माइनस IC कर दीजिए सर। IE कितना है? IE मान लेता हूँ फिलहाल तुम इसको ठीक है। IC मुझे पता हुआ है, पता है कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पीयर है, फिलहाल मैं रख लेता हूँ ऐसी वैल्यू को, चाहो तो आप यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो IE की वैल्यू कितनी होगी, इवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IE फ्रॉम हियर। IE कितना आ जाएगा 100/95 × IC, IC कितना 10 मिली एम्पीयर ठीक है बिल्कुल सर। और यहाँ से IE माइनस IC, IC कितना 1/95/100 ये बोल सकते हैं, तो 5/100 IE इंटू 5/100 5% का कुल मिला के बात ये है 5/100। IE की वैल्यू कितनी आपको 100/95 × 10 mA इंटू कितना 5/100 इसको कट्टा पट्टा कर लो कितनी वैल्यू आ रही है, कुछ सब ठीक है ना 5/100 ठीक परफेक्ट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 100 से 100 को कट्टा पट्टा करो तो 5 से 19 सही कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक आपका 10/19 mA। म्यूचुअल कम आउट टू भी ऑलमोस्ट 0.5
है ना, 0.5 और जरा से बड़े रहेगी 0.53 मिलियन पर आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मोस्टली बच्चों का आंसर सही है, 0.5 मिलियन पर। ठीक है बालक, दैट विल बी वेरी गुड। क्लियर है? ओके सर जी, यहाँ तक तो सर समझ में आ गई है हमको, बात आ गई है ना, ऐसे बिल्कुल समझ में आ गई है। चल चलिए बेटा, चलिए 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 वहाँ चलना है सर, वहीं बेटा चलिए चलिए कर दीजिए बस। पास पास सुनिए आगे की बात। देखे बालक, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, जैसे हमने मैंने कहा कि बेस बेस है इसके अंदर, एमिटर है, कलेक्टर है, सब चीजें इसके अंदर, और सिंबल मैंने ऐसा कुछ बनाया, कुछ ऐसा। बेस से एमिटर में जा रहा है करंट, बेस से एमिटर के अंदर करंट जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक एक ही तरफ केवल एमिटर बनाना है, दोनों में नहीं बना देना जो भी रहेगा। ठीक है, इनपुट करंट आउटपुट करंट ऐसा कुछ, ये आपका इस तरह से। अब इसमें भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, जैसे कि जैसे मैंने आपको जो आपका डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें पहले मैंने लिया एमिटर, बीच में बेस लिया और इधर आपका कलेक्टर कर दिया, और दोनों जो टर्मिनल हैं, जो कॉमन टर्मिनल रखे हैं, वो किसके रखे हैं? बेस के। लेकिन हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो केवल वही पढ़ना है जिसमें आपका एमिटर एज अ कॉमन टर्मिनल ले रखा, कॉमन एमिटर वाली कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है। मतलब सर आपको जो ग्राउंड कॉमन से समझिए, ग्राउंड जो करना है, ग्राउंड से जो कनेक्ट करना है वो एमिटर करना, करने के लिए आप ग्राउंड से आप अपने बेस को भी कर सकते हैं, करने के लिए ग्राउंड आप अपने कलेक्टर को भी कर सकते हैं, किसी भी तीन टर्मिनल से एक को आप ग्राउंड कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है मोर स्पेसिफिकली, वो केवल वही पढ़ना है जिसमें आपका एमिटर कॉमन। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन हो सकती है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉन्फिगरेशन जो है बालक अलग अलग हो सकती है, कौन कौन से सकती है? ऐसा हो सकता है कॉमन बेस, जो मैंने देखा सीवी लिख देता हूँ, समझ जाना कॉमन बेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपका हो सकता है कॉमन एमिटर, सीई। ठीक है, और तीसरा हो सकता है सीसी, मतलब कॉमन कलेक्टर। ये हो सकती है, लेकिन हमें ये लिए ये वाला पढ़ना है, कॉमन एमिटर वाला केवल हमें स्टडी करना है, बाकी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है चिंस फ्रेंड्स, ओके सर, बिल्कुल समझ गए सर। चलिए तो कॉमन एमिटर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं और समझते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस कैसी होंगी, उनका क्या क्या किस वोल्टेज को क्या नाम देना है, उसको बड़ा केयरफुली समझ लें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है चिंस मिंस पिंस, ओके सर जी, तो हम सेकंड वाले ही देखते हैं, मतलब कॉमन एमिटर को देखते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। ओके सर जी, ये देखना है, ये वाला देखेंगे हम कॉमन एमिटर। यहां तक जितना मैंने पढ़ा है मेरे ख्याल से आपको चीजें सारी समझ में आ गई है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो प्यारा बच्चा, यस मास्टर जी, कॉमन एमिटर, और ये मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप, मैं जो आपको डायग्राम ड्रॉ करवा रहा हूँ, इसको प्लीज आप ना एक बार खुद से करके भी देख लेना, उसका फायदा रहेगा आपको। एग्जाम में जाकर जो कंफ्यूजन होता है, वीसीसी कौन सा था, वीबीई कौन सा था, वीई कौन सा था, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है चिंटू मिंटू पिंटू, ठीक है मास्टर जी, ऐसी बात है, हम समझ कर पढ़ लेंगे। तो बालक आपका, अब मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूंगा, मैं ऐसे रख लिया मैंने इसको, ये आपका बेस, ये आपका एमिटर, ये आपका कलेक्टर। ठीक है सर जी, कुछ कुछ इस तरह, कलेक्टर का बेस, एमिटर को बेस बना दी। सुनिए आपका, मैंने आपको बताया था एनपीएन की बात कर रहे हैं। ठीक है ओके मास्टर जी, तो बालक एनपीएन में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका बेस से एमिटर की तरफ करंट जा रहा है, ऐसा कुछ, बेस से एमिटर की तरफ करंट, तो एरो इधर रहेगा, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, अब हम इस्तेमाल करेंगे इसको, इसको हम कॉमन टर्मिनल बनाएंगे, ग्राउंड कहिए इसको या फिर कॉमन टर्मिनल, ग्राउंड कर दिया मैंने। ठीक है, ग्राउंड का सिंबल ऐसे बनाते हो आप सर, यही है ओके। ये आपका बेस है, दिस वन इज बेस, यस। तो बेस में जो करंट जा रहा होगा, वो करंट जो है बहुत ही छोटा सा रहता है बालक, यहाँ पर आप चाहो तो एमिटर कनेक्ट कर सकते हो, और एमिटर का आपका माइक्रो एम्पियर में करंट देता है, इतना छोटा करंट रहता है। तो इसके अंदर जो करंट जाएगा उसका नाम देता हूँ आई बी, दिस इज बेस करंट।
ठीक है, ये जो आपकी एमीटर वाली ब्रांच है इसके अंदर जो करंट जाएगा दिस विल बी इक्वल टू आई बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, और जो कलेक्टर से इधर की तरफ करंट आ रहा होगा इसका नाम दे देते हैं आई सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई बी और आई सी मिलकर आई बी बनाता है, तो आपको दिख गया सर ब्रांच नेम भी, ठीक है। चिंटुक मिंटुक पिंटुक, यस सर। तो कितने नाम रखेंगे आप मेरे, बेस दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर, ओके। आप इन पर तीनों जगह पर चाहें तो आप अलग अलग आपके एमिटर लगा सकते हो, सॉरी हाँ एमिटर लगा सकते हैं, अपना करंट देखने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जो करंट होता है बाय द मिली एम्पियर मिलेगा लगभग, ठीक है, ये आपका माइक्रो एम्पियर में, आंसर आपका मिली एम्पियर में रहेगा, आपका आईई जो वैल्यू है लगभग। ओके सर जी, ठीक है। चिंटू चिंटू मिंटू, यस मास्टर जी। और ये आपका मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैसा आपका कनेक्टेड रहेगा, आपका जो कलेक्टर वाला हिस्सा है और जो आपका एमिटर वाला हिस्सा है, मैंने आपको बताया था बेस और एमिटर आपका रहेगा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। तो और ये है ट्रांजिस्टर कैसा है सर, आप एनपीएन टाइप है, दिस इज एनपीएन टाइप। आपका बेस किससे कनेक्ट रहेगा, बेस मतलब पी, यस सर। तो बेस किससे कनेक्ट रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा। मैं इसको लेके जाता हूँ, ओके सर, यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको आप इनपुट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और इस कनेक्ट कर देते हैं मैं एक बैटरी से, ये लो, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल से आपका कनेक्ट हो जाएगा ए, इधर आपका एमिटर से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है चिंटू मिंटू, समझ गए सर। अच्छा, दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो कलेक्टर बेस टर्मिनल है, कलेक्टर बेस ये कैसे रहा, रिवर्स बायस। तो ये आपका एनपीएन है, ये एन टाइप है, तो कनेक्ट किससे होगा सर, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको आप आर सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर सी, वी कैन कॉल इट एज आर सी। और यहाँ पर आपकी एक बैटरी कनेक्ट रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये थोड़ी हैवी रहेगी इसके कंपेरिजन में, इस बैटरी कंपेरिजन में ये थोड़ी हैवी बैटरी रहती है। ओके मास्टर जी, कनेक्ट कर दो इसको यहां से लेकर के, पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव, इस बैटरी का नाम, और ये वेरिएबल रहती है, अपने हिसाब से इनकी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। इस बैटरी का नाम देते हैं वी बी बी डी बी सर, हाँ। ओके, दूसरी बात, ये जो आपका बेस है और ये आपका एमिटर है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको यहाँ पर मेजर करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं एक वोल्टमीटर, ठीक है, एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकते हैं इधर, यस सर, जो आपको बताएगा कौन सी वोल्टेज बताएगा, वी बेस और एमिटर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बताएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आउटपुट है आपकी, आउटपुट वोल्टेज, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग एक, ये किसके बीच, किसके बीच में तो आएगा, एमिटर और कलेक्टर के बीच में, तो जो इस वोल्टमीटर जो कनेक्ट कैलकुलेट करेगा वो वैल्यू क्या बताएगा, तो आंसर है वी सी बी बताएगा, ठीक है चिंटू मिंटू, समझ में आ गई सर बात, ठीक है। ओके सर जी, अब हम समझेंगे कि इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होंगे अगर हम बेस करंट को चेंज करें। बेस करंट यहाँ पर क्या, इनपुट आपका कौन बिहेव कर रहा है, इनपुट पर बेस, आउटपुट पर कौन बिहेव कर रहा है, कलेक्टर, ठीक है, इस बैटरी का नाम दे देते हैं वीसीसी। ये भी आपकी वेरिएबल रहती है, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं चीजें, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब तो देखेंगे बालक इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या है, बेस करंट और हमारे जो इनपुट वोल्टेज, इनपुट करेक्टरिस्टिक नाम से पता लग रहा है, इनपुट में आपका करंट कितना है, बेस करंट है, और इनपुट पर वोल्टेज कौन से दे रहे हो, ये रही सर VBB, इसके वर्सेस इसका ग्राफ, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ कैसा हो रहा होगा, ठीक है, ओके। और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर, डिफरेंट कंडीशन कैसे, अगर हम ये जो आपके आउटपुट वोल्टेज है यानी VCE है, VCE, इसको अगर हम कॉन्स्टेंट रखेंगे तो तब हमें रिजल्ट कैसे मिल रहा है। चलिए हेडिंग इससे आगे, इसको डायग्राम को ड्रॉ करने की इच्छा है तो आप इसको कर सकते हैं, और मैं आप सबसे कहूंगा कि आप ये दो तीन बार डायग्राम ड्रॉ करके जरूर देखें, इससे आपको आइडिया आ जाए कि कौन सी बेस करंट वोल्टेज है, कौन सा क्या है, कौन सा करंट है, ये सबसे आपको आइडिया हो जाए। चार पांच बार आप प्लीज डायग्राम को ड्रॉ करके देखें हर हाल में सर, बिल्कुल हर हाल में। इस बैटरी का नाम है VCC, इस बैटरी का नाम है VBB, बीच का VBE, इधर VCE। वोल्टेज ध्यान रखना, कौन से वोल्टेज की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, भूल नहीं जाना बच्चा, ओके सर, नहीं भूलेंगे, ठीक है। इनपुट पर क्या है हमारा, इनपुट हमें कौन दे रहा है, बेस, ये हमारा आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट कहाँ मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस लगाया है इसका क्रॉस में आउटपुट मिलता है, एकड़े यहाँ पर ये आपका आउटपुट मिलता है,
ठीक है, हियर इज आउटपुट, और इनपुट कहाँ है, यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हो, समझ आ गई बात? ओके, ये जो आपका छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है हमने, हाँ सर, तो बालक आप को जो आपके घर के आसपास या घर पे भी होंगे स्पीकर होते हैं, आप धीरे से बोलते हैं उसमें, माइक स्कूल में जब प्रेयर करते थे माइक पे इंसान धीरे से बोलता है, उसकी आवाज को बहुत मल्टीपल टाइम फोल्ड, मतलब आवाज को कई गुना उसकी जो है साउंड बढ़ा करके वो देता है, साउंड सिस्टम जो होता है, किसी भी गाना है आपके पास मोबाइल में बहुत कम आवाज होती है उसमें बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है, तो जो काम क्या हो रहा है एम्पलीफाई कर रहा है हमारी वॉइस को, ये जो सर्किट है ना एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है, कैसे कैसे करता है, कुछ सर्टेन चेंजेस करने होते हैं वो भी हम पढ़े, तो इसको ऐसे बोरिंग टॉपिक की तरह ना पढ़े, थोड़ा सा जिंदादिली के साथ पढ़िए इसको, ठीक है? ओके सर, चलिए इसकी जरा करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, एमिटर आपकी इनपुट करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, इनपुट करेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करेंगे इनपुट करेक्टरिस्टिक, सुनिए बालक, ये हम बेस एमिटर वोल्टेज, ये इस वोल्टेज के वर्सेस ये आपका जो बेस करंट है इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो मतलब आप कह सकते हो IB वर्सेस VBE का ग्राफ होगा इनपुट आपकी करेक्टरिस्टिक जो बता रहा होगा, ठीक है? ओके सर, एट बाय कीपिंग आपका जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है इसको कांस्टेंट रखना, ये दिस सम, ठीक है, कीपिंग VCE कांस्टेंट, जो भी वैल्यू है उसको फिक्स रखिए, एक बार कांस्टेंट रख के फिर देखिए चीजों को मेजर कीजिए क्या क्या फर्क पड़ रहा है, अगली बार देखिए फिर चीजों को देखिए, ठीक है? बेस कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स रहेगा, ये वाला आपका फॉरवर्ड रहेगा, और आप रियोस्टेट वगैरह की मदद से इसको बेस कलेक्टर, आपका बेस कलेक्टर जंक्शन की जहां पर वोल्टेज है इसको रियोस्टेट वगैरह की हेल्प से कांस्टेंट रख सकते हैं, अदरवाइज जो वीसीसी है इसको आप, मैंने बनाया वेरिएबल है वोल्टेज, इनको चेंज करते रहिए, कोशिश कीजिए, सपोज अगर 10 वोल्ट पर है तो 10 वोल्ट पर ही फिक्स रखेंगे वीसीसी। ओके सर, तो बालक वी ऑब्जर्व ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है सर ग्राफ, बहुत प्यार, वाह ऐसा कुछ बड़ा अच्छा ग्राफ है सर, यहाँ पर आपका बेस करंट IB और हमारा यहाँ पर VBE वोल्ट्स और इधर आपका ऊपर IB, ठीक है? चिंटक मिंटक पिंटक, यस सर, तो लगभग लगभग ऊपर में यहाँ पर छोटा 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 वोल्टेज बढ़ाए हम 0. इधर छोटे से 0 के आसपास ही मान लेते हैं, थोड़े से करंट वोल्टेज वोल्टेज थोड़ा 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 0.4 के आसपास आपको पर थोड़ा उठता हुआ दिखेगा, उसके बाद 0.6, 0.8, यहाँ पर 1 वोल्ट, आगे 1.2, आगे थोड़ा सा इसको मान सकते हैं लगभग 1.2, 1.4 एंड वो, तो बालक 0.4 के आसपास थोड़ा सा आपको करंट राइज करता हुआ दिखेगा, इधर आपका बेस करंट है माइक्रो में, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60,
वोल्टेज आपने फिक्स कर दी, सपोज करो आपने जो भी माना, मैं मान लेता हूँ 5 वोल्ट मानी थी आपने फिक्स कर दी, तो अगर आपका ग्राफ यहाँ पर आ रहा है, फिर अगर आपने वोल्टेज वीसी की थोड़ा वोल्टेज बढ़ा के फिक्स कर दिया, तो आपका ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा ऐसा कुछ। मतलब ये वाला ग्राफ किसके लिए, वीसी ही आपके 10 हो सकती है, 10 वोल्ट मान लेते ऐसे कुछ है। और बढ़ाओगे तो थोड़ा सा और आगे तरफ शिफ्ट होगा, कुछ देर बाद आपकी जो वोल्टेज है क्या होगा, आपका ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, ओके सर जी। तो बालक अब यहाँ से अगर इस कर्व को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा निहारूं, थोड़ा सा देखूं मैं, हाँ सर, अलग 5 वोल्ट पर या 4 वोल्ट पर आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है और 10 वोल्ट के वोल्ट पर थोड़ा सा आगे तरफ बैंड हो गया। ठीक है, यस सर। तो बालक इसको जरा कहीं भी किसी भी जगह पर ले सकते हैं, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ले लेता हूँ, यहाँ पर लो, वरना इनपुट करंट 40
आपका 40 ऑन के कोरस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर इस ग्राफ पे कुछ वैल्यूज ये मिल रही है VC जब 5 था, और अगर मैं दूसरा थोड़ा सा आगे पीछे कहीं भी ले जाता हूँ तो मुझे वैल्यूज ऐसे मिल रही है। दूसरे वाले ग्राफ के लिए आपका होगा सर, दूसरे वाले ग्राफ के लिए कुछ वैल्यूज ऐसी आके ना, मतलब आपने जैसे ही कलेक्टर करंट चेंज किया तो आपको यहाँ पर जो कलेक्टर आपका कलेक्टर VCE वैल्यू, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जैसे चेंज की तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज आया डेल्टा VBE में, बेस एमिटर वोल्टेज में, ठीक है यस सर। और ये जो आपका चेंज आई है किसमें चेंज आया, करंट IB में, डेल्टा IB बोल सकता हूँ जो चेंज आया आपका, थोड़ा डार्क लिखिए सर, इसको डेल्टा आई भी बोल सकता हूँ जितना चेंज यहाँ पर आया दिस, और इसको बोल सकता हूँ वीबी वोल्टेज एमिटर बेस वोल्टेज में, ठीक है। और हमें पता है ओम बाबा के हिसाब से वोल्टेज अपॉन करंट जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है इस केस में जो रेजिस्टेंस है इसको आप इनपुट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जो कि डायनामिक होता है, जिसको हम बदलता सा रहेगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इसका इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन वोल्टेज मतलब डेल्टा VBE डिवाइड बाय चेंज इन आपका बेस करंट IB, दिस विल बी इनपुट रेजिस्टेंस RI बोल सकते हो आप, ठीक है चिंटू, दिस विल बी आवर इनपुट रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात, ये हमारी क्या कौन सी करेक्टरिस्टिक थी, एमिटर करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो या फिर इनपुट करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, इनपुट करेक्टरिस्टिक उसको बोल सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, इनके पीछे का मैकेनिज्म फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है, ना ही हमारे पास उतना समय है कि बस सर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, ठीक है। मैं नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ रहा हूँ, आउटपुट करेक्टर्स की तरफ। यहां से एक दो ऑब्जर्वेशन आप समझ सकते हैं, देखिए वाला, जैसे जैसे आप वोल्टेज इनपुट वोल्टेज यानी VBE की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आप देखोगे शुरू में तो करंट धीरे धीरे बढ़ा, फिर आपका रैपिडली ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बालक ये है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो स्टार्टिंग में तो ठीक है जैसा भी, उसके बाद आपका रैपिडली करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफी कम है, आके ना इनपुट रेजिस्टेंस इज स्मॉल, इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके सर जी। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन आप अपने पास संभाल कर सकते हैं, सर ऐसा कुछ हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आउटपुट करेक्टरिस्टिक की और बात कर लेते हैं। आउटपुट करेक्टरिस्टिक या फिर कलेक्टर करेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं इसको, इसमें क्या किस किस के बीच में होगा, तो आप कहोगे सर ये तो एक तो आपके आउटपुट कौन सी है VCE है ना, और कलेक्टर आपका आउटपुट करंट कौन सा है कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट मिल रहा है और आपकी VCE जो आपकी एमिटर आपकी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, इन दोनों के बीच में ग्राफ बन रहा है, तो इस बात को लिख लेते हैं किस किस के बीच में ग्राफ होगा, ग्राफ बिटवीन IC एंड VCE, तो देखते हैं बालक हमें ग्राफ कैसा मिलता है, कुछ ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं IC, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं VCE, और बेस करंट हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखना, कीपिंग बेस करंट कांस्टेंट, बेस का करंट जो है वो कांस्टेंट रखना, ठीक है बालक, ओके। तो बालक मैंने आपको बताया था आपका कलेक्टर करंट होता है जनरल मिली एम्पियर में, ठीक है, और ये आपका वोल्ट में आप लोग को देखने को मिलता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इधर आपका ये मिली एम्पियर में रहता है, 2, 4, 6 वाले कर लेते हैं, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 6,
तो बालक व्हाट वी ऑब्जर्व इज सर व्हाट वी ऑब्जर्व अगर हमने कलेक्टर करंट छोटा सा कलेक्टर सॉरी बेस करंट जितना बेस करंट आप छोटा रखेंगे उतनी देर उतना ही जल्दी सेचुरेट हो जाएगा मतलब सर अगर आपने बेस करंट कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू रख ली है बेस करंट सपोज को 10 मिली एम्पियर रख लिया या 10 माइक्रो एम्पियर रख लिया ठीक है बेस करंट को छोटा सा चिंकू सा फिक्स कर लिया तो आप ऑब्जर्व करोगे आपका ग्राफ जो रहेगा कुछ इस तरह और शुरुआत में बढ़ेंगी वैल्यूज और उसका हो जाएगा सेचुरेट ठीक है अगर आपका आई बी सपोज करो आपने मान लिया 10 माइक्रो एम्पियर ठीक है आपने बढ़ा लिया बेस करंट थोड़ा सा आपको थोड़ी देर बाद सेचुरेट होगा और बढ़ा लिया वो ज्यादा ये आपका 10 की जगह 20 मान लो 30 मान लो 40 मान लो ऐसा कुछ आपका सेचुरेट होगा दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लीज इसको ध्यान में रखेगा बालक पूछे जा चुके हैं पहले क्वेश्चन मतलब बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 40 मान लो उसको 50 ठीक है बालक ये आपका बेस करंट डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट जो भी आप फिक्स करेंगे आपको देखने को कुछ ऐसा मिलेगा समझ में आ गई बात ये आपका माइक्रो एम्पियर करंट है ऐसा कॉन्स्टेंट वैल्यू नेगेटिव जब आपका आईबी रहेगा बेस करंट आपका तो आपके आईसी वर्सेस ग्राफ का कुछ ऐसा मिलेगा इसको आप नी वोल्टेज बोल सकते हैं जहां पर ये रोटेट हो रहा है हमें क्या मिल रहा है हमें कंक्लूजन क्या हो रहा है यहां पे कंक्लूड ये हो रहा है बालक कलेक्टर करंट जो होता है जीरो नहीं होता है कलेक्टर करंट जीरो नहीं होगा तब भला इवन आपकी जो कलेक्टर वोल्टेज है वो भी अगर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी क्या बात कर रहे हो सर ये हमारा जो डायग्राम है VCE का है VCE का है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है अगर आपने इनपुट पर आपकी जो कलेक्टर वोल्टेज है VCC अगर वो जीरो भी कर दे तो आप करंट जीरो नहीं होने वाला इसका क्या मतलब है कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो चार्जेस हैं चार्ज कैरियर्स हैं जो कि मेजोरिटी में है चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे आपके होल्स हो वो कुछ ना कुछ एंटर होते रहेंगे एमिटर वाले एरिया से कलेक्टर के अंदर मतलब थोड़ा बहुत करंट रहेगा इवन आप कलेक्टर वोल्टेज जो है जीरो कर रहे हैं तब भी ठीक है ओके सर दूसरी बात अगर आपका जो किसी भी बेस करंट के लिए हाँ इसको रिपीट करना है हाँ सुनिए बालक मैं कह रहा हूँ यहाँ से मेरे को लग रहा है कि आपका जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर करंट आपका जीरो नहीं होगा इवन दो आपकी कलेक्टर वोल्टेज जीरो हो जाए तब भी क्या मतलब है इसका जो आपकी VCC हमने लगाया VCC की बात कर रहा हूं मैं वो अगर आपकी आपने उस पर वोल्टेज भी मत लगाओ सपोज करो कुछ देर के लिए केवल आपने क्या किया एक पतला सा आपका बेस था एक एमिटर था एमिटर को केवल फॉरवर्ड बायस कर दिया तो क्या होगा एमिटर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मैंने आपको कहा था 2% को हार्डली एब्जॉर्ब कर पाएगा कौन वाला बेस बाकी सारे के सारे एंटर कर जाएंगे कलेक्टर में तो आपको कलेक्टर का करंट कुछ ना कुछ दिखाने लगेंगे ऑलमोस्ट आपका बिना उसको बायस किए भी कलेक्टर को बिना बायस किए भी उसके अंदर आपको करंट सेंस करवा देंगे थोड़ा बहुत क्योंकि 98% इसको उसको उसके अंदर एंटर कर रहा है 98% हिस्सा ऑफ एमिटर करंट इज एंटरिंग इनटू द कलेक्टर करंट कलेक्टर या फिर कलेक्टर के अंदर एंटर कर रहा है ठीक है ये मतलब इसका और जो बेस करंट है वो होल्स के कारण हो रहा है क्या बेटा याद रहे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि होल्स एक्चुअली में होल्स का मूवमेंट कैसा है होल्स एक्चुअली होल्स तो अपनी जगह फिक्स है ये एक वर्ल्ड एक स्पेस बन गया समझिए ऐसा एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रॉन भाग गया वो जगह बच गई वो बन गया होल तो एक्चुअली में पूरा एटम नहीं भाग रहा इलेक्ट्रॉन ही भाग रहे हैं तो सच्चाई ये है कि अगर आप कह रहे हो कि मूवमेंट जो है होल्स का हो रहा है तो वो ठीक है कब सेमीकंडक्टर में रिपीट मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए आपका सर्किट है सेमीकंडक्टर आपका ट्रांजिस्टर है यहां पर आपका एन पी और एन उसके अंदर आप कह रहे हो कि हाँ भाई होल्स इधर उधर भाग रहे हैं दैट इज कंप्लीटली ओके होल्स का मूवमेंट हो रहा है दैट इज कंप्लीटली ओके लेकिन उसको आपने बैटरी से कनेक्ट करने के लिए जो वायर लगाए हैं उसमें कहना कि होल्स मूव कर रहे हैं बिल्कुल गलत है एब्सोल्युटली रॉन्ग वहां पर आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं सेमीकंडक्टर्स में आपके होल मूव कर सकते हैं एक्चुअल में बाहर की सर्किट में आपका क्या होगा बाहर की सर्किट में आपके इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं अंदर की सर्किट में आपके होल वगैरह मूव कर सकते हैं ध्यान रखना चीज को मतलब बेस करंट वो 0.2 के वजह से हो रहा है 0.2% उनके हां बिल्कुल बिल्कुल बेस करंट उसकी वजह से हो रहा है ठीक है चलिए इसी के साथ मेरी एक सेकंड वाला जिंदा गायब हो गई चिंटू माइक्रोसॉफ्ट
फिर माइक्रोसॉफ्ट। अब क्या करें, शेयर स्क्रीन। ये क्या हो गया है, क्या हुआ सर? दिखाता था उसको शेयर स्क्रीन में, दिखाई नहीं रहा। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। 1 नोट आपको विजिबल है क्या? अभी 1 नोट 10 विजिबल है? हेलो, यस, ओके, ठीक। तो बालक ऐसी कुछ कहानी है। ओके सर जी, तो बालक यहाँ से मैं एक बात समझ में आया कि अगर जो बेस करंट है, गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट, द करंट कलेक्टर करंट जो आपका जीरो नहीं होगा, इवन द कलेक्टर वोल्टेज इज जीरो। और क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा गिवन बेस करंट होगा उसके लिए किसी भी फिक्स के लिए रैपिड इंक्रीज इन कलेक्टर करंट, ठीक है, शुरुआत में आपका सडनली इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, आपका करंट अब आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। ओके सर जी, ठीक है, ओके सर। तो थोड़ी देर बाद वो सेचुरेट हो जाएगा कलेक्टर, ठीक है, वो आप कलेक्टर ये जो वीसी इसको बढ़ाते भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका कलेक्टर वोल्टेज जो है, आपकी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेचुरेट हो गया, ठीक है। ओके सर, अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूं एक चीज को, अगर यहाँ पर भी मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, कहीं पर आप देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की बात करूं, इसके लिए आपको यहाँ पर करंट मिल रहा है सपोज करो 2, अगर आप 10 पे जाओगे यहाँ पर तो इसके यहाँ पर मिल रहा है दिस वैल्यू, ऐसे कुछ वैल्यूज मिल रही है ना। हाँ बिल्कुल सर, तो चेंज इन वीसी, वीसी में चेंज कितना है, दिस इतना चेंज किया है, और आपका आपका जो करंट है उसमें भी कुछ आपको चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कहानी, हाँ सर, अगर मैं वीसी में बहुत ज्यादा चेंज भी कर दूं, वीसी को यहाँ पर भी ले जाऊं इधर, तो अभी आपको क्या देखने को मिला, चेंज उतना का उतना ही है सर, हाँ कि ना, बात समझ रहे हो। अगर मैं वीसी को बहुत ज्यादा भी चेंज कर दूं, वीसी में ह्यूज चेंज ले आऊं, इतना सारा चेंज ले आऊं, और आपका करंट में कितना चेंज है, बहुत छोटा सा, इन दोनों ग्राफ के लिए देख लूं मैं, इन दोनों के लिए, पहले और दूसरे के लिए, तो आप क्या देखोगे, अगर वीसी की सर वैल्यू बढ़ा दीजिए जितनी बढ़ानी है आपको, वीसी की बहुत ज्यादा चेंज कर दीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग वाले दूसरे वाले, आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको अभी भी करंट जो है बहुत छोटा सा मिलेगा, मतलब करंट करंट आपका वही छोटा सा ही चेंज है। तो यहाँ से वीसीई का जो चेंज है डिवाइड बाई आपका करंट का जो चेंज है, ये कैसे नंबर होगा, इसमें चेंज कितना, बहुत बड़ा चेंज कर लीजिए आपको, ना के बराबर करंट में चेंज, दो दो ग्राफ के लिए मत देखिए, एक ही ग्राफ के लिए देख लेते हैं। अगर मैं एक ही ग्राफ के लिए देखूं, ऑलमोस्ट सेचुरेट हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू देख लो और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, आप वोल्टेज को चेंज करते चल जाओ, आपका करंट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपका सेचुरेट हो चुका है, और वोल्टेज आप बढ़ाए जा रहे हो, करंट में ना के बराबर चेंज है, करंट में ना के बराबर चेंज है, तो आप कह सकते हो डेल्टा वीसीई इसमें अच्छा खासा चेंज करोगे, लेकिन करंट में चेंज क्या होगा, बहुत ही छोटा सा, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, बहुत बड़ी। तो आउटपुट आपका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, वेरी लार्ज, इनपुट रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, बहुत ही छोटा। समझ में आ गई बात, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है सर, ये इनपुट वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होगा क्या बेटा, इनपुट वोल्टेज, इनपुट आपका क्या बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज से आप वेरी करा सकते हो, किसको, बेस करंट को, और जैसे आप बेस करंट कराओगे तो बेस करंट पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनपुट वोल्टेज पर नहीं है, बेस करंट पर डिपेंडेंट है, जैसे आप बेस करंट थोड़ा बहुत चेंज करोगे वैसे आपका चेंज होंगे वैल्यूज, ठीक है, ओके। हाँ जी, और एक होता है बालक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपका बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में कैसा ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है, ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, इसको बोल देते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। किस किस के बीच में ग्राफ होगा, आईसी वर्सेस आईबी, बेस करंट के बीच में, कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच का जो ग्राफ होगा इसको बोल देते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। और कब करनी है, कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर एट, इसको भी आपको कांस्टेंट एट, कांस्टेंट वीसीई यहां पर ऑब्जर्व करेंगे हम। तो बालक हम जो ग्राफ देखते हैं वो ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिलता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, बस ये आईसी आपका मिलियन पेयर में रहता है और आई बी आपका माइक्रो एम्पियर, तो आप देखोगे यहाँ पर 2, 4, 5 वैल्यू ले लू,
सपोज करो यहाँ पर 100 के आसपास रहेगा, 100 माइक्रो एम्पियर, रिमेंबर दिस, 200 का मतलब स्ट्रेट लाइन में लगभग आपको, ठीक है, विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, 10 का लेते हैं 200 का लेते हैं, विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे आप आपका वीसी को कांस्टेंट रख के, ऑब्वियस है यार, देखो इसमें कुछ सोचना नहीं है, जैसे जैसे आप, और थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, ठीक है थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, क्यों सर सरप्राइजिंग, कैसे, जैसे आप बेस करंट को बढ़ा रहे हैं आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ने लगता है, ठीक है, सरप्राइजिंग ऐसे है, तो आपको लगेगा कि सर दो दो अलग अलग बैटरी थी फिर भी कैसे कैसे हो रहा होगा ये, तो ये कैसे कैसे हो रहा होगा बालक, ये कुछ इस तरह से हो रहा होगा। कलेक्टर करंट क्या होता है आपका, तो कलेक्टर करंट है सर जो हिस्सा एमिटर करंट का आपका कलेक्टर करंट बन जा रहा, उसको आप एमिटर बोल, एमिटर कलेक्टर करंट बोल देते हैं, ठीक है, एक हिस्सा आपका जो एमिटर करंट है उसी किस में जा रहा है आपका, कह सकते हो बेस करंट में, या फिर ऐसा बोल सकते हो बेस और कलेक्टर से मिलकर आपका बन रहा है एमिटर, ऐसा बोल सकते हो। तो जब हम बेस करंट को हम बढ़ाते हैं तो आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ने लगता है, ठीक है, रीजन क्या है देखिए बालक, आपका जो बेस करंट है उसको बढ़ाने के लिए वहां पर वोल्टेज में चेंजेस करेंगे, तो जैसे ही आपके वोल्टेज में चेंजेस होंगे तो क्या होगा, आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जो चार्ज करेंगे, चाहे वो आपके होल्स हों, चाहे वो आपके एनपीएन में आपके होल्स होंगे और पीएनपी में आपके पीएनपी में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेस के अंदर, ठीक है, वो बढ़ेंगे चार्ज कर रहे, और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर रहे बढ़ेंगे उतना ही उनकी जो डिप्लेशन लेयर है वो विड्थ जो है उसकी घटेगी, और ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को मूवमेंट का मौका मिलेगा, ज्यादा ज्यादा आपका मूवमेंट हो सकेगा कलेक्टर से एमिटर के बीच जितना ज्यादा बेस करंट बढ़ाएंगे, यही हमने ट्रांसफर, इससे जो आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें भी यही तो देख रहे हैं, ठीक है, ओके। कुछ दो तीन आपको टर्म्स हैं वो जो आपको ध्यान में रख रहे हैं हालात में, एक होता है बालक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, या इन टर्म्स को प्लीज बालक ध्यान में रखना, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और एक है आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है आपका, कुछ टर्म्स ये आपको ध्यान में रखना है, करंट एम्पलीफाई, कितना करंट एम्पलीफाई हुआ है, तो नाम से सोच करके आप सोच पा रहे हो इनपुट पर करंट आप कौन सा दे रहे हो, तो आप कहोगे सर बेस का, है ना, करंट एम्पलीफिकेशन, नाम से थोड़ा सोचिए, एम्पलीफाई कर रहे हैं करंट को हम, तो एम्पलीफिकेशन क्या मतलब है, आउटपुट पर कितना मिल रहा है, इनपुट पर आपने कितना दिया, आउटपुट पर आपको क्या है कलेक्टर करंट, अगर करंट की ही बात कर रहे हैं करंट एम्पलीफिकेशन, या फिर करंट गेन भी बोल सकते हैं सर, करंट गेन, ठीक है, ओके सर, तो आपका आउटपुट पर करंट कितना है आपका होगा आईसी, इनपुट पर कितना दिया आईबी, तो ये जो रेशियो है इसी को बोल देते हैं बालक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये आपको ध्यान में रखनी है कुछ कुछ चीजें, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट इसको बीटा से डिनोट करेंगे, ये ध्यान में रहे आपका आईसी अपॉन आईबी, या फिर डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी भी बोल सकते हैं अगर आपका एसी का केस की बात कर रहे हैं डीसी का, ठीक है, और कहां पर वीसीई कांस्टेंट पर, एट कांस्टेंट वीसी, ठीक है चिंटू मिंटू, ओके सर, तो बालक ये किसकी कहानी है आपकी, जब आपका, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो रहेगी, ठीक है, और हम देखे आईसी जो है ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज करता है विद आईबी, अगर आईसी आपका जीरो है तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आईबी भी जीरो, ठीक है, तो आप कह सकते हो बीटा एसी और बीटा डीसी ऑलमोस्ट सेम रहे, सर समझ में नहीं बात, समझ में नहीं आई कुछ लोगों के बाद, है ना, तो अगर हैंड रेज करके होता ना कितनों को समझ में नहीं आई बात जो बताई मैंने, कैसे आ रहे होंगे, हाँ ठीक मैं समझा देता हूँ, सुनिए बाबू, देखिए आईसी और आईबी लीनियर है, ऑलमोस्ट लीनियर है जो ग्राफ मैंने बनाया आईसी और आईबी का, ठीक है बिल्कुल सर, ये वाला जो है ये डीसी के लिए होता है, ये एसी के लिए, तो क्या है सर एसी का डीसी कहां से आ गया सर, घबराइए मत कुछ भी, आपको ध्यान रखना आईसी अपॉन आईबी की वैल्यू बीटा होती है, और आपका डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी है, आईबी की वैल्यू भी लगभग बीटा ही होती है, ठीक है, रीजन उसका ये है बालक आईसी और आईबी लीनियर होते हैं जो ग्राफ आपने ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है, ओके मास्टर जी, अगर इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता, अगर आप इनपुट पर एसी दे रहे हो, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जो मैं जो बोल रहा हूं यहां पर जो साउंड है, या फिर एयर का जो कंप्रेशन है, वो एयर जो एयर में वाइब्रेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशन जो हो रहे हैं, मतलब इनपुट सिग्नल कैसा आपका एसी टाइप, नहीं समझे, एसी कैसी होती है अल्टरनेटिंग,
ठीक है, उसमें क्या होते हैं ऑसिलेशन एक टाइप के हो रहे होते हैं। एसी की क्या कहानी है, अगर मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पर जो मेरे मुंह के यहाँ तक आसपास जो एयर है वो कंप्रेस हो गया, रेयरफैक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है। सिग्नल कैसा है, उसकी जो सिग्नल जो है आपकी उसकी जो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसी कुछ कहानी हो रही थी। तो सिग्नल किस टाइप का, एसी टाइप सिग्नल है, फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर एक कॉन्स्टेंट आप इनपुट दे रहे हो, कॉन्स्टेंट इनपुट दे रहे हो, तो आपका फ्लक्चुएशन कैसा होगा, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है चीजें। समझ में आ गई दोनों में फर्क क्या है। अगर आपने कोई इनपुट दिया एक ही तरह के साउंड अप डाउन नहीं हो रहे हैं इसमें, तो ये कैसी आपकी डीसी है। मैं माइक के सामने जा खड़ा हो गया, मैं कह लूं बस एक ही आवाज निकाल रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट चला जिससे एक ही टाइप की आवाज निकल रही, वो इनपुट कैसे हो गए डीसी। समझ में आई बात। ओके सर, अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या माइक पे जाकर मैंने गाना बजाना शुरू कर दिया, वही आमी छेतोमा चिची गाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो मेरी वॉइस क्या फ्लक्चुएट हो रही है, जो एयर में जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो, या फिर कोई भी आप समझ सकते हो, जैसे मैंने इनपुट दी है आपको, जो भी मैंने इनपुट दी है वो आपके अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसको आप कह सकते हो एसी। इनपुट जो है आपकी कॉन्स्टेंट है तो आप बोल सकते हो डीसी। लेकिन हमें पता है करंट आपका आईसी और आईबी का ग्राफ जो होता है लीनियर होता है, तो जितनी वैल्यू आईसी अपॉन आईबी की रहेगी वही अप्रोक्सीमेट डेल्टा के जो चेंज रहेगा वो भी लगभग बराबर रहेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये था, बीटा जो है इतना ध्यान रखना आईसी अपॉन आईबी रहता है, अगर चेंज हो रहा है तो डेल्टा आईसी अपॉन आईबी की वैल्यू लगभग लगभग वही रहेगी, कुछ नहीं सोचना है, इतनी सी बात समझ में आया, बीटा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी, दैट्स इट, और कुछ नहीं ध्यान रखना। ओके सर, इसको बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। यस सर जी, अच्छा एक और आपको ध्यान में रखना है, यस सर, करंट गेन हाँ करंट गेन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। करंट गेन क्या होती है सर, बेटा प्यारा बच्चा, करंट गेन को डिनोट करते हैं अल्फा से, और ये क्या होता है सर, ये होता है बालक आईसी अपॉन आईई, कितना चेंज हुआ, या फिर डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई भी कह सकते हो। अच्छा सर, ये रेशियो है आपका कलेक्टर करंट टू दी एमिटर करंट, ये आप जानते हो कितना कितना होना चाहिए, लगभग लगभग इसकी वैल्यू 1 के आसपास रहेगी। क्यों सर 1 के आसपास क्यों रहेगी, बेटा मैंने आपको बताया था ना आपका कलेक्टर करंट लगभग लगभग 98% होता है एमिटर करंट का। अच्छा हाँ, तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू कितने के आसपास रहेगी, या तो 1 रहेगी या 0.98 के आसपास रहेगी। अच्छा मैं बीटा के बारे में पूछूं, बीटा के बारे में, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, लगभग लगभग कितनी रहेगी, तो आप कहोगे लगभग सर 50 के आसपास रहेगी, 100 तक भी जा सकती है, 50 के आसपास, 50 से लेकर 100 तक वैरी कर सकती है। कैसे, मैं मान के चलूं 2% आपका बीटा है, आई बीटा करंट जो है आपका आई बी बेस करंट 2% है, तो आपका आईसी कितना 98 लगभग अपॉन 2, तो कितना 49 के आसपास, 50 के आसपास। अगर आपका 1% या अगर आपका आई बी की वैल्यू 1% है, तो कितना 99 अपॉन 1 लगभग 100 के आसपास। तो बीटा की वैल्यू जो है बेटा लगभग आपको जनरल जो क्वेश्चन मिलेगा 50 से लेके 99 100 के आसपास, 100 तो नहीं 99 के आसपास बीटा की वैल्यू, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो समझ आना अच्छा ये है चक्कर, ठीक है। करंट गेन कितना हुआ आपको, लगभग 0.98 0.99 इसके आसपास मिल रहा है अल्फा यानी, ठीक है सर जी, समझ गए सर जी। इनके बीच में रिलेशन आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता हो ना पता हो आपको, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे मुझे पूरा भरोसा है जिनको बहुत कम चीजें समझ में आ रही, पता नहीं क्या क्या हो गया जिंदगी में, है ना, ऐसे होंगे 2-4, ठीक है। सुनिए, तो बालक इनके बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए हर हाल में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो प्यारा बच्चा रिलेशन जो होता है हम यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो कई बच्चे मैसेज भी आ गया एक बच्चे का मुझे कि हाँ सर मैं ही हूँ, इसको बहुत कम समझ में आ रहा है आज की क्लास का, पता नहीं क्या क्या जिंदगी में हो गया। देखो अल्फा इक्वल टू कितना है आपका, आईसी अपॉन आईपी, ठीक है, और बीटा इक्वल टू क्या है सर, आईसी अपॉन आईपी। कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो इसके बीच में, सर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं सर, होगा कि नहीं वो तो नहीं है पता सर, कैसे कर सकते हो, सोचो थोड़ा बताओ मुझे, अल्फा और बीटा के बीच में हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अच्छा जी नहीं करेंगे सर, अच्छा इसमें से अगर मैं अल्फा 1 माइनस अल्फा कर दूंगा, मैं 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस आईसी अपॉन आईई, ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू आईई माइनस आईसी अपॉन आईई, ये कितना हो गया आईबी अपॉन आईई, आके ना आईबी अपॉन आईई,
ठीक है, ओके सर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा आईसी से। वाह सर, वाह, क्या बात है, मल्टीप्लाई डिवाइड आईसी से। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ मैं इसकी आईसी से। ठीक है, ओके सर, ये वाला इस टर्म की वैल्यू कितनी होती है किसकी सर, आईसी अपॉन आईई। ये तो सर आपका क्या है, अल्फा है फिर से सर, है ना, और आईबी अपॉन आईसी क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है लेकिन आईसी अपॉन आईबी है। देखो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा, हाँ जी 1 माइनस अल्फा आईसी अपॉन आईई इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अरे हाँ कि ना, देखो जरा ध्यान से, बात सही है कि नहीं, यस सर नो। यार चिंटू बेटा, जो मैंने आईसी अपॉन आई क्या होता है सर, ये रहा अल्फा सर, और आईसी अपॉन आई भी क्या होता है बीटा, ये वाला, ये 1 अपॉन बीटा है ये। हाँ सर, समझ में आ गई बात, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। प्यारा बच्चा, यहाँ से बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चाहो तो अल्फा को भी इसके टर्म्स में लिख सकते हो, नॉट अ बिग थिंग। तो इसकी कुट्टा पुट्टा मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा माइनस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, आपको कैलकुलेट करनी है अल्फा की, अल्फा चला गया इधर 1 प्लस बीटा, तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। इनमें से कोई भी एक रिलेशन याद रखिए, दुआएं लगेंगे आपको, ठीक है सर। देवता मानुस हो जाओगे बेटा तुम, ये रिलेशन याद रखोगे तुम, देवता मानुस रे तू, ठीक है। ये कोई सा एक रिलेशन याद रखिए, और इसी बात पर इसको जो भी इसमें इसको फोटो फोटो लेना है इसका ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सिस्टम के ऊपर, क्वेश्चन है ये रहा, हे राजू मैं तेरे को हरामी समझा रहे, तू तो देवता मन लिखे द करंट गेन, करंट गेन यस सर फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर इज 0.98, करंट गेन, ठीक है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा, और वैल्यू देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कौन सी क्या होगी अल्फा की, देखता है अल्फा की वैल्यू 0.98 के आसपास रहेगी। फाइंड द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, फाइंड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इफ द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन एमिटर, इफ ट्रांजिस्टर, इफ ऐसा, इफ ऐसा कहां लिखते हैं सर, अच्छा ठीक है बेटा, if transistor is used in common emitter configuration, common emitter configuration, बताइए कुछ नहीं आ गया, बेटा की वैल्यू कुछ है साफ साफ और कुछ नहीं, अच्छा का आंसर भी आ चुका है और लेकिन सही आंसर है बेटा, क्विक फटाफट 30 सेकेंड, ये 30 सेकंड, हाँ ठीक है सर, मत बताना हमें पूछ नहीं है सर, और ठीक है पूरा तो कर लेते डायलॉग, ये 30, अच्छा ठीक, नहीं सर हम नहीं करने देंगे आपको डायलॉग पूरा, आंसर आपका आ चुका है, फॉर्मूला ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, हाँ सर चीटिंग कर दी मैंने, छाप डालूंगा सर मैं, तो बीटा इक्वल टू कितना होता है, और तो सर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है सर, अल्फा में गिवन है कितना है 0.98, 1 माइनस 0.98, आंसर आ चुका है 0.98 डिवाइड बाय 0.02 इक्वल टू 49, ठीक है। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और, आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रयास, कोशिश करो बालक, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करो, गलती होंगी कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया बेटा, मोस्टली बच्चों के आंसर आ गए और सही आंसर है, आप प्लीज चेक इट ट्राई, ये 2-3 चीजें तो ध्यान में रखनी है यार, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है ना, अगर आपको कुछ भी समझा नहीं और कुछ भी याद नहीं रहा, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इसमें से हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लेके चल रहे हैं, इनके पीछे पीछे के एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो मैंने आपको नहीं बताया, और उसमें समझाने भी काफी टाइम लगता है, उतना टाइम फिलहाल तो हमारे पास नहीं, अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं है तो आपको 3-4 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है,
एक याद रखना है, जो आपका एमिटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट है आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। टैटू करा सकते हैं माथे पे, नाक पे, हाथ पे, मुंह पे, जहां पे आपको ठीक लगे। दूसरी बात, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो ध्यान में रखना। अल्फा क्या है, आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या है, आई बी अपॉन आई सी, ठीक है। ये तीन चार चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरा और क्या याद रखना है आपको, कि भाई हमारा एमिटर जो होता है वो हैवी डोप होता है, आपका कलेक्टर मॉडरेटली डोप होता है, लेकिन साइज बहुत बड़ा रहता है कलेक्टर का। आपका जो बीच में फंसा हुआ है सैंडविच जो बना रखा है, सैंडविच होता है ना, ऊपर बन नीचे बन, बीच में आलू पकौड़ी टिक्की प्याज टमाटर जो भी रहता है, ठीक है। तो वो बेचारा पतली सी लेयर रहती है उसकी, या फिर ऐसा आप खाते हो क्या बर्गर कि ऊपर वाली पतली लेयर नीचे वाली रहे और बीच में इतना बड़ा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल ऐसी। इसको ध्यान में रखिएगा, ये चार पांच चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, तो आप क्वेश्चन जो आएंगे आपके मेंस ले होंगे आपको कर ले जाए, ठीक है। एडवांस में आता भी नहीं है, ठीक है सर, फिर ठीक है, इतना तो मैं याद रख ही लूंगा सर, है ना। चलिए एक क्वेश्चन इसी बात पर हो जाए, द करंट फैक्टर, मतलब सर करंट फैक्टर क्या है, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ओके। करंट गेन बोल दो उसको, मैं करंट फैक्टर बोल दू, यस सर करंट गेन ही बोल देता हूं, करंट ऐसे, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज गिवन, इस 0.98 दे रखी है इस बार, वाह। फाइंड कहा इसने, फाइंड द चेंज, चेंज ही पूछ लिया इस बार, चेंज पूछ लिया इन कलेक्टर करंट, इन कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट में कितना चेंज होगा कोरस्पोंडिंग टू अ चेंज ऑफ, कोरस्पोंडिंग टू अ चेंज ऑफ, आपको मैं हिंट देता हूँ, चेंज मतलब डेल्टा की बात कर रहा हूं, ओहो अब तो कर लीजिएगा सर इसको, चेंज ऑफ 5 mA इन एमीटर करंट, एमीटर करंट, ठीक है। और पूछा है इसमें कलेक्टर करंट में तो पूछ रही है, ऑल्सो फाइंड चेंज इन बेस करंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या पूछा हुआ, क्योंकि राइटिंग तो माशाल्लाह बहुत ही घटिया, डेल्टा आई सी पूछा है, डेल्टा आई बी पूछा है, बताइए अभी लो सर, बताइए दोनों के बारे में, फटाफट से बता दो, इतना टाइम नहीं है, देखो कुछ बच्चों का आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया बेटा तनिषा, बहुत ही अप्रिशिएबल बेटा, बिल्कुल सही आपका आंसर है, बोल के बताएगा मुझे, बिल्कुल ठीक है बेटा, दो बच्चों का आंसर आ गया, दोनों के बिल्कुल सही है। अंकुश बेटा कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, साक्षी थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक से करो, बहुत ही चिंटू सफर का करिश्मा, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा इसी के साथ उठा के खेल दिया आप लोगों ने, वाह सर वाह, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इक्वल टू होता है हमारे सर जी आई सी अपॉन आई होता है, जैसे डेल्टा आई कर दो, चेंज की बात करें तो चेंज की बात करें तो अल्फा कितना है सर 0.98 सर, विल बी इक्वल टू आई सी, यही तो फाइंड करना है सर, आई डेल्टा आई कितना है 5 mA दे रखा है सर, इसकी कुट्टम पुट्टा मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 0.45 545 4 49, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे यहां पर 4.9 mA विल बी द करंट सर, ठीक है। अरे यार आईसी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, थोड़ी कमेंट्री फॉर्म में चला गया था तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, 5 mA की 0.98 से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। बेस करंट, बेस करंट के बारे में आप क्या कहेंगे, बेस करंट बहुत अच्छा होता है सर, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, अरे चेंज इन बेस करंट क्या हो जाएगा सर जी, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी कर दीजिए, चेंज चेंज की बात कर रहे हैं सब, चेंज चेंज खेलेंगे सर, ठीक है सर। तो 5 mA माइनस 4.9 mA वेल बिग पच्चू सर, राइटिंग बस बस सर, जहर है आपकी राइटिंग, हाँ ठीक है, 5 mA माइनस 4.9 mA वेल बिग पच्चू 0.1 mA,
वाह सर वाह, ठीक है ओके सर जी। तो हाँ सर ठीक है, तो दोनों वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई हमारी 4.9 मिलियन पर एंड अनदर वन इज 0.1 मिलियन। आईबी के चेंज इन बेस करंट इतना होगा, चेंज इन कलेक्टेड करंट इतना होगा। और इसी के साथ प्यार बच्चों आज हम आज की क्लास करेंगे यहीं पर एंड, आगे कहानी विल कंटिन्यू टुमारो। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसे जगह जाने साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय सर, बाय।